तो फ्रेंड्स, पीएचपी साइट बनाने की सीरीज़ में ये मेरा पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम पीएचपी साइट जो है उसमें डोमेन पर करना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं पहले इससे पहले दोस्तों एक वीडियो बनाते हैं, वेब होस्टिंग खरीदने कैसे खरीदते हैं फ्री में। ठीक है दोस्तों, मैं उसका एक वीडियो बना था। और दोस्तों, इस साइट को बनाने के लिए आपको तीन चीज़ की ज़रूरत होगी। ठीक है, पहले वाला जो है आपको एक अच्छा खासा वेब होस्टिंग की ज़रूरत होगी। ठीक है, जो फ्री हो सकता है या बैड। ठीक है दोस्तों, आप फर्क नहीं पता। ठीक है, और एक दोस्तों अच्छा सा डोमेन नेम, ठीक है, वो फ्री भी हो सकता है। ठीक है, और एक स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट दोस्तों मैं दूंगा, लेकिन वेब होस्टिंग और डोमेन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको वेब होस्टिंग और डोमेन फ्री में कैसे लेना है उस मालूम नहीं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। ठीक है, मैं पहले से इसका वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो मेरी वेबसाइट है ये मैंने अभी बनाया। ठीक है, तो इसमें अभी तक मैं कुछ भी नहीं अपलोड नहीं किया। तो इस साइट के दोस्तों मैं डोमेन पार किया, लेकिन आपको जो है मैंने जो पिछले वीडियो में जो वेब होस्टिंग खरीदना सीखा था, ठीक है, तो इस वेब होस्टिंग में मैं डोमेन पार करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, कहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आप देख रहे हो क्लाइंट एरिया, यहाँ पर देखो उसके नीचे जो है आपको थ्री डॉट का ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा क्लाइंट एरिया जो ऑप्शन है आपको वो वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो मैं जब यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो मेरे सामने एक ऐसा एक पेज ओपन होगा। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक मतलब कि अकाउंट क्रिएट किया था। आप यहाँ पे तीन अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन एक ही ठीक है मेरे लिए। ठीक है, एक ही सही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करूँगा। तो मैं जब अकाउंट पे क्लिक किया तो देखो मेरे सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे चार ऑप्शन मिलेगी। ठीक है, कंट्रोल पैनल, फाइल मैनेजर, एडिट अकाउंट और डीएक्टिविटी हिस्टोरी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो आपको डोमेन पार करने के लिए कंट्रोल पैनल पर क्लिक करना होगा। तो आप जब कंट्रोल पैनल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लोडिंग चलेगा कुछ देर। ठीक है, तो लोडिंग लेने के बाद आप देख सकते हो मेरा लोडिंग, देखो आपके सामने कुछ ऐसा एक इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो एड ऑन डोमेन्स आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, आपको मैं फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ऐड ऑन डोमेन्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे यहाँ से दोस्तों डोमेन खरीद भी सकते हो, एम नीचे देखो ऑप्शन है देख सकते हो, यहाँ पे आप डोमेन खरीद सकते हो। तो मैं डोमेन नहीं खरीदूँगा, ठीक है, मेरे पहले से डोमेन है। तो दोस्तों ऊपर आप देख सकते हो न्यू डोमेन नाम। ठीक है, तो मेरा एक डोमेन है फ्री नाम से, तो मैं वहाँ से एक डोमेन लेता हूँ। तो मैं देखो फ्री नाम पे आ गया, तो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, नीचे आना है। नीचे आने के बाद तो मैं माय डोमेन पे क्लिक करता हूँ, मेरे डोमेन पहले से एक रजिस्टर है। ठीक है, तो मैं एक डोमेन चूज़ कर लिया, मोबाइल मास्टर डॉट सी एफ। और दोस्तों इस एक प्रॉब्लम है इस वेब होस्टिंग में, यहाँ पे दोस्तों आपको डॉट टी के डोमेन जो है अवेलेबल नहीं है, उसके बदले डॉट सी एफ, डॉट जी ए, डॉट जी क्यू, डॉट ई मेल, ये सब डोमेन अवेलेबल है, लेकिन डॉट टी के डोमेन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं डॉट सी एफ डोमेन से ही वो साइट ओपन करूँगा। ठीक है, वेब होस्टिंग में ऐड करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, ये जो आप देख सकते हो, तो मैं यहाँ पे वो नाम जो है अभी पेस्ट कर देता हूँ। तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखो नीचे आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखो नाम सर्वर वन जो है आपको ये कॉपी कर लेना है। आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो ये जो है आपको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना होगा फ्री नाम पे। तो पहले वाला जो है मैं पहले वाला कॉपी कर लेता हूँ। तो पहले वाला कॉपी करने के बाद तो मैं क्या करूँगा, फिर से फ्री नाम पे आगे नेम सर्वर वन ये जो है यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। तो वहाँ पे वो भी पेस्ट कर दूँगा। तो नाम सर्वर वन जो है इसको कट करके मैं यहाँ पे टू लिख देता हूँ, तो मेरा दोबारा कॉपी करने नहीं पड़ेगा उसको। ठीक है, तो दो करने के बाद क्या करूँगा, चेंज नेम सर्वर। ठीक है, तो मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा
तो आप देख सकते हो मेरा जो नेम सर्वर चेंज हो गया, लेकिन फिर से मैं एक बार चेक करता हूँ नेम सर्वर चेंज हुआ या नहीं। तो देखो चेंज सेव सक्सेसफुली, मतलब कि सेव हो गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फिर से आपको वही होस्टिंग पर आना होगा। तो आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ऐड डोमेन, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, देख सकते हो ऐड डोमेन। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो देखो दोस्तों मैं क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ये डोमेन जो है मेरे अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं ये डोमेन पहले से यूज़ कर रखा था, मुझे अभी याद आया, ठीक है। तो मैं दूसरा डोमेन लाता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों दोबारा मुझे फिर न पाना होगा। तो देख सकते हो ये जो मेरा नाम है, तो ये मैंने वापस में ऐड कर रखा था। तो मैं क्या करूँगा, नेम सर्वर को चेंज कर दूँगा यहाँ से। तो क्या करूँगा, ये जो देखो वापस .com, ये जो है ये सिलेक्ट ऑल करके कट कर देता हूँ, कट करके वो पेस्ट कर देता हूँ दोस्तों नाम सर्वर जो मेरा कॉपी था, ठीक है। तो मैं इसे भी पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद ये सारा दो तीन जो है इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों सारा नाम को हटने के बाद मैं यहाँ पे जो नेम सर्वर 2 जो है, यहाँ पे मैं नाम सर्वर मेरा 1 है, तो यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ इसे। तो 2 करने के बाद दोस्तों अब मैं सेव नाम से पर क्लिक करता हूँ, नाम सर्वर चेंज नाम सर्वर, ठीक है। तो फिर क्लिक करने के बाद अब देख सकते हो मेरा नाम सर्वर जो है चेंज हो गया। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरा सही से नाम सर्वर जो है चेंज हो गया, लेकिन उससे पहले दोस्तों ये कॉपी करके मैं क्या करूँगा, एक बार चेक कर लेता हूँ नेम सर्वर को। तो हमारा नेम सर्वर जो है सही से लग गया, तो ठीक है। तो आपको क्या करना है, वापस अपने जो है वही पोस्टिंग पर आना है। तो उसके बाद सिलेक्ट करके पेस्ट, तो पेस्ट करने के बाद मैं एक बार पीछे देख लेता हूँ, नहीं दोस्तों ऐड डोमेन आपके क्लिक करना, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो है मेरे डोमेन जो है पार्क हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप देख सकते हो ये जो है मेरा सेव हो गया, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, गो बैक, आपको गो बैक पे क्लिक करना है। अब जब गो बैक पे क्लिक करोगे तो बैक आ जाओगे। उसके बाद मैं फिर से बैक आता हूँ, तो आप देख सकते हो दोस्तों मैं पर फाइल मैनेजर पे जाके दिखाता हूँ, मेरा डोमेन जो है वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा देर ये लोडिंग होगा, ठीक है। तो लोडिंग होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा एक इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। आप देख सकते हो मेरे जो है वो डोमेन यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये आपका भी यहाँ पे ऐड होगा। तो मैं आपको क्या करना है, क्लिक करना है, उसके बाद फिर से क्लिक करना है। तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी स्क्रिप्ट अपलोड नहीं है। तो आगे की वीडियो में दोस्तों मैं स्क्रिप्ट के अपलोड कैसे करते हैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, ठीक है। तो आगे की वीडियो में दोस्तों हम स्क्रिप्ट अपलोड करके